तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल। तो हम यहाँ इसमें बेसिक एक्सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बेसिक एक्सेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे बेसिक चीज, क्योंकि अभी क्या है कि हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस बताते हैं। ओके सर, तो हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस हम समझाते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं आज पेस्ट स्पेशल, तो हमारा हो चुका था, लेकिन कुछ और ट्रिक्स है, चलिए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं आज की इस क्लास में पिक्चर लुकअप के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो रिपोर्ट्स है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नेम वाइज डेटा है, सेल्स ऑफिसर वाइज एसओ वाइज डेटा है, मैं यहाँ पे सेल्स ऑफिसर का नेम दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ फिगर दे देता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ और इसकी बैकग्राउंड कलर भी कर देता हूँ, और इस पर हम एक विजुलाइजेशन के लिए एक चार्ट भी इंसर्ट कर देते हैं, और चार्ट का थोड़ा सा स्लाइड शेयर कर लिया आपने, और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, इतना छोटा जितना मैं डेटा के साथ फिक्स हो जाए, और जहाँ सेल्स लिखा हुआ यहाँ मैं कर देता हूँ सेल्स। और इसी के नीचे हम एक और डेटा बनाते हैं जो कि मंथली सेल्स हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे हम सेल्स दे देते हैं और मंथ में जैन फैब लिखते हैं यहाँ पे नीचे ना, दिसंबर तक का डेटा हमारा, और यहाँ हम सेल्स दे देते हैं। रैंडम बिटिंग का फॉर्मा लगाता हूँ रैंडम नंबर के लिए, ताकि रैंडम नंबर इसमें, और फिर इसको कॉपी करके हम पेस्ट एज ए वैल्यू कर देते ताकि रैंडम नंबर ना दिखे, फॉर्मूला रिमूव हो जाए ताकि बार बार चेंज ना हो, और इसकी भी कलर हम करते हैं लेकिन कोई और कलर से, ताकि हमें डिफरेंस पता रहेगा। और इसके ऊपर भी हम एक विजुलाइजेशन के लिए एक चार्ट बना देते हैं, लेकिन इसमें हम चार्ट यहाँ से लेते हैं, तो हम ये चार्ट लेते हैं और इसका भी बैकग्राउंड हम कुछ अलग सा सिलेक्ट करते हैं, चार्ट इसको छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, और यहाँ सेल्स की जगह पे हम कर देते हैं मेरे पास दो डेटा समरी है। अब मान लीजिए एक समरी सेंटर है या समरी है, वहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पे शो करना चाहता हूं, तो यहां पे मैंने एक हेडिंग दे दिया सिलेक्ट, और सिलेक्ट में मैंने क्या किया, यहाँ डेटा वैलिडेशन में हमारा लिस्ट डाउन होता है, जैसे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, तो वही इसी में डेटा वैलिडेशन में हमने लिस्ट को लिया, यहाँ डेटा वैलिडेशन होता है, तो डेटा वैलिडेशन में हमने लिस्ट को लिया और यहाँ पे हमने एसओ कॉमा वन सेलेक्ट कर लिया। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एसओ सेलेक्ट करूँ तो मेरे डेटा से जो एरिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी बैकग्राउंड हटा देता हूँ, पेज लेआउट से जाके ग्रिड लाइन हटा दीजिए, तो ये लाइनिंग जो है लाइनिंग हट जाता है, फिर मैं इसको वापस यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम समरी में जाते हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं, जो कि लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था। तो अगर मैंने सेल्स वाइज किया, मंथ वाइज किया, सॉरी एसओ वाइज किया, तो ए रिपोर्ट है,
अगर मैंने इसको चेंज करके मंथ किया तो फिर इसके नीचे वाला जो रिपोर्ट है वो नीचे वाला रिपोर्ट आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, आप लोगों को समझ में आ गया? आपको समझ में आया सर? सबको समझ में आया कि नहीं? हम सिंपल सा चाहते हैं कि मेरे पास मेरे डेटा समरी में दो डेटा है, पहली डेटा आपको ये दिख रही है और दूसरी ये दिख रही है। तो एक अलग सीट पे मैंने ड्रॉप डाउन बना रखा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, मंथ को सिलेक्ट करूं तो मंथ हो, और एसओ को सिलेक्ट करूं तो एसओ, समझे? तो मंथ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये समरी आनी चाहिए, और मैंने एसओ सेलेक्ट किया तो ऊपर वाली समरी आनी चाहिए। ठीक है सर? तो अब इसको कैसे करेगा, कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों का एक नाम बनाएं, क्योंकि इसका रेंज जो है काफी बड़ा है, आप इसको देख सकते हैं। इसका रेंज है एस वन से लेके जी 10 तक, काफी बड़ा नाम है ना सर, एफ कर देता हूँ। तो इतना बड़ा एड्रेस को ढूंढने में दिक्कत होगा ना, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें समरी जो लिंक हुआ है इसी एड्रेस हुआ, A1 से लेके F10 तक हुआ है ना सर, इतना बड़ा नाम को मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैंने क्या किया, इसका एक नेम अलग डिफाइन किया। तो किसी भी एरिया का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके लिए आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लें, फॉर्मूला मेन्यू बार में जाएं और यहाँ डिफाइन नेम में अपना नाम डाल दें। तो हमने यहाँ पे एसओ कर दिया, और फिर इस नाम सेम इसको सेम इस एरिया इसको सेलेक्ट किया, और इसका नाम हमने इस एरिया का नाम यहां डिफाइन नेम में किया और मंथ रख दिया। बाय डिफॉल्ट पिक कर लेता है, बट आप इसका अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, मंथ हो गया। तो अब इन दोनों एरिया का मैनेजर में जाके देखिए, दोनों एरिया का एक डिफाइन हो गया, ये हमारा नेम हो गया, ये हमारा ऊपर मंथ का हो गया। तो मतलब जो हमने पेस्ट एज ए लिंक यहां पर किया है क्या ना सर, तो अब यहां पे मैं नेम अगर मंथ कर देता हूं, मंथ फॉर्मूला है इसको ले लेता हूं, तो ये मंथली रिपोर्ट आ गई। अब मैं यहां पे अगर नेम चल दूं एसओ कर दूं तो आ गया। ये हमने कल राकेश जी बताया था, बैच में शायद आप नहीं थे, ये थे रंजन जी थे ना, आप सर आप थे ना सर कल 5 बजे। तो इससे क्या होता है कि चेंज होता है, बट प्रॉब्लम अभी भी मेरा सॉल्व नहीं हुआ है। मुझे यहां से इससे क्लिक करो, इससे चेंज होना चाहिए। एक इसमें दो प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम है कि ये टेक्स्ट है, अगर मैं डायरेक्टली सम के अंदर भी इसको डालूं तो इसका एरिया सम करके मुझे नहीं देगा, जीरो क्यों दिया, क्योंकि B3 को मंथ नाम का जो रेंज है इस रेंज को पिक नहीं कर रहा है, मंथ नाम का ABCD नेम ले रहा है। तो किसी भी फॉर्म एक्सेल को समझाना होगा कि जो यहाँ पे मंथ दिया हुआ है ये मंथ कोई सेल वैल्यू नहीं है, एक रेंज है, एक रेफरेंस है, एक एड्रेस है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और इस इनडायरेक्ट में इसको रखते हैं, तब रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला एवेलेट करके देखिएगा तो क्या होगा कि इनडायरेक्ट फॉर्मूला ने इस नेम जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है, इस जैसे मैंने एवेलेट किया तो इसने नेम मैनेजर से इसका एड्रेस मांग लिया,
और एड्रेस दे दिया सम को, और सम ने इस रेंज में जो भी नंबर्स थे उस नंबर्स का सम कर दिया। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आया आपको राकेश जी, रंजन जी एंड विपिन जी? राकेश जी, रंजन जी, विपिन जी समझ में आया? राकेश जी आपको क्या दिक्कत आ रही बताइए? सिंपल से सुनिए, एक बार सिंपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको सम करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं और सम में हम पूरा नाम ले लेते हैं, ये करते हैं ना सर। जैसे बैंक में क्या होता है कि बैंक के दो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, एक कस्टमर आईडी होता है, एक अकाउंट नंबर होता है ना सर। हेलो, कस्टमर आईडी होता है, अकाउंट नंबर होता है। अगर मैं दोनों लेके जाऊं तो बैंकर दोनों से मेरी डिटेल निकाल सकता है, समझ गया ना। तो उसी तरीके से मैंने इस एरिया का एक रेंज है जो कि है A14 से लेके F36 तक। तो मैं यहां पे मैनुअली लिख सकता हूं F14 से F26। तो यहां पे मुझे सम आ रहा है ना सर, पर ये थोड़ा लेंदी लग रहा है और मेरा एरिया फिक्स है। तो मैंने क्या किया, इस एरिया का एक कस्टमर आईडी मतलब कि एक यूनिक नेम डिफाइन कर दिया खुद से डिफाइन नेम में, समझे। तो अब मुझे, अब यहां पे नेम डिफाइन कर दिया, क्या कर दिया, नाम मैंने इसका मंथ दे दिया। मंथ क्यों दिया, क्योंकि मंथ इस डेटा मंथली डेटा था, इसलिए हम इसका मंथ नेम दे दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे अगर सम करना होगा तो मैं यहां पे सम के अंदर में मंथ को सिलेक्ट कर लूंगा, बात समझे। तो दोनों एक ही है, तो ये दोनों यहां तक समझ आया आपको। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मंथ हम यहां फॉर्मूला में डायरेक्ट अगर मंथ देते हैं तो ले लेता है। जैसे मैंने फॉर्मूला में एक कर दिया यहां पे मैंने कर दिया सम, और सम के अंदर में मैंने अगर दे दिया D3 दे दिया तो D3 को पिक कर लिया ना सर। लेकिन इसी को मैं D3 यहां रख दूं और मैं बोलूं कि मैं यहां पे सम करता हूं और ये D3 इसको पिक कर ले, तो सम नहीं पिक करेगा, क्योंकि D3 एक ABCD है। सम या कोई भी फॉर्मूला एक्सेल का ये नहीं समझेगा कि D3 लाइक है, हेलो, D3 लाइक है एक रेंज, ठीक है। तो इसी चीज को समझाने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करेगा, सम को ये समझाएगा कि D3 ABCD नहीं है, D3 मतलब कि D कॉलम एंड 3 नंबर रो। तो यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जो मंथ मैन्युअली तो लिखने से आ जाता था, तो हमने इनडायरेक्ट में यहां लगाया, तो इनडायरेक्ट ने चीज को समझा दिया कि हाँ ये मंथ नाम का नेम है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हुआ कि मैं यहां पे B1 दे सकता हूं, पर B1 देने में दिक्कत क्या होगा कि B1 का रेंज पास कर लेगा। मुझे B1 पे लिखा हुआ मंथ पकड़ना है, तो क्या मैं इसमें इनडायरेक्ट B1 लगा सकता हूं? इनडायरेक्ट B1 लगाने पर सब, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट कहता है कि मुझे आप किसी सेल का एड्रेस या फिर मुझे आप दीजिए डिफाइन नेम। हम किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात समझे सर। तो एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्यूशन पाया कि भाई ये नेम टेक्स्ट है तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा रेफरेंस की तरह। एक और नई प्रॉब्लम आ गई कि भाई मैं यहां पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला नहीं डाल सकता, बट यहां पे नेम डाल सकता हूं और नेम के अंदर में मैं इनडायरेक्ट का फॉर्मूला डाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, एक और डिफाइन नेम किया, मैंने उसका नाम SH कर दिया, कुछ भी कर सकते, मैंने SH कर दिया और SH को बोला कि भाई तुम इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो इनडायरेक्ट, और इसमें मैंने मंथ को सिलेक्ट कर लिया। तो अब क्या होगा कि मैं यहां पे SH दे देता हूं, हो गया। अब
देखिए मैं यहां पे देता हूं एसओ, तो सेल्स ऑफिसर का डेटा आ गया, मंथ मंथ का डेटा आ गया। तो जैसे मैंने यहां पे एसओ किया तो हमारा जो एसएच नाम का जो नेम था उसने इसकी अकॉर्डिंग एसओ को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं यहां मंथ करूंगा तो ऊपर वाले मंथ को रिप्रेजेंट कर देगा। तो एक हम क्या बोल रहे हैं, हम वही तो मैं समझा रहा हूं कि मैंने यहां पे एसओ किया तो एसओ करने के बाद चार्ट के ऊपर क्या लगा है, चार्ट को लगाया फॉर्मूला एसएच, एसएच लगा है ना सर। एसएच क्या है, एसएच एक डिफाइंड नेम है और डिफाइंड नेम के अंदर में हमने यहां पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला और बी थ्री लिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, बी थ्री में जो डिफाइंड नेम जो नेम है एसओ, वो एसओ नाम के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां, ठीक है सर। पूरा समझिए। देखिए सबसे पहले जो हमारा अलग अलग एरिया है उसका नाम देंगे, कहां से देंगे, डिफाइंड नेम से, ठीक है। जो भी जिन एक हो दो हो दो, चार हो या छह हो या दस हो, वो सारे का नाम देंगे। जैसे कि मैंने यहां पे इसको मंथ दिया हुआ है, हमने इसको सेलेक्ट किया डिफाइन नेम में गया, सिलेक्ट किया डिफाइन नेम में गया और वहां पे हमने मंथ सिलेक्ट किए, करेंगे आप डिफाइन नेम में, सॉरी क्या हुआ, डिफाइन नेम में जाएंगे और यहां पे नेम देंगे, हमने यहां पे मंथ और एसओ बना लिया। अब किसी एक एरिया को कॉपी करेंगे आप, किसी एक एरिया को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट एज ए वैल्यू करेंगे, क्या करेंगे, पेस्ट बोले माफ कीजिएगा, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, यहां से पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, तो लिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां हम लिंक को अपडेट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं ये जो डेटा वैलिडेशन हमने लगाया हुआ है, यहां डेटा वैलिडेशन जाकर मैं डेटा वैलिडेशन लगाया था, उसमें हमने वही लिस्ट दिया था जिसका नाम हमने डिफाइन किया है, याद रखिए यहां पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यहां पर भी वही होना चाहिए। क्या हुआ पांडे जी, रिमोट कंट्रोल क्यों मांग रहे हैं मुझसे, तो यहां पे हमने एसओ और मंथ वही नाम देंगे जिस नाम से हमने सीट में रेफरेंसेस बनाई है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और डिफाइंड नेम किया, हम फॉर्मूला में गए, एक और डिफाइंड नेम किया और उस डिफाइंड नेम में हम उसका नाम एसएच या कुछ भी रख दीजिए और यहां पे रेंज के जगह पे हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला देंगे, क्या देंगे, इनडायरेक्ट फॉर्मूला, और इस इनडायरेक्ट फॉर्मूला में हम इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको ओके करेंगे। फिर जो यहां पे चार्ट था, चार्ट के अंदर जो फॉर्म ये लगा हुआ था, फॉर्मूला लगा हुआ था, जैसे आप जब पेस्ट एज ए लिंक करोगे कॉपी कीजिए और जब इसको पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक आप करते हैं, इसको पिक्चर लिंक करते हैं ना, आप यहां से पिक्चर लिंक करते हैं तो एक मिनट जब आप इसको पिक्चर लिंक करते हैं तो यहां पे एक रेफरेंस होता है, इस रेफरेंस को डिलीट कीजिए और इसके नाम जगह पे एसएच को कर दीजिए। अब ये लिंक हो गया, तो मतलब कि जैसे हम यहां से चेंज करते हैं ये एसओ को अपडेट करता है, एसओ आपका चार्ट को अपडेट, राकेश जी रंजन जी विपिन जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आगे चल के इसके हम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। इसको हम पिक्चर लुकअप कहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपके फाइल मेल कर देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये वीडियो भी आपको भेज दूंगा, इसको अच्छे तरीके से आप करके देखिएगा, क्योंकि जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अपने अपनी ईमेल आईडी यहां पे कंफर्म कर दीजिए, राकेश जी आपका ईमेल है आरके, ओके, और रंजन जी आपका है, यही है
dast0906@yahoo.co.in। और अगला है विपिन पांडे जी। विपिन जी आपकी ईमेल आईडी क्या है? हाँ सुन रहा, बोलिए ना। आ रही आ रही है। नहीं व्हाट्सएप पे शेयर, आप मुझे व्हाट्सएप ईमेल आईडी भेजिए, मैं भेज देता हूँ। पहले क्या ईमेल आईडी थी वो मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? ये है ना सर? ठीक है, चलिए फाइल में आपको भेज रहा हूं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे की चीज़।